अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हमजा अकमल फ्रॉम लैंड होल्डर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे क्वेरीज करते हैं कि रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद आया क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी पे पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो क्लाइंट्स हमसे करते हैं, इनके जवाब के लिए आज मैं मौजूद हूँ लैंड होल्डर्स के हेड ऑफिस के सामने। हम अभी अंदर चलते हैं और इनके CEO से बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ये अपने क्लाइंट्स के लिए लेके आए हैं और रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो बैरियर टाउन लाहौर की मार्केट में आएगा। तो चलिए मेरे साथ इनके CEO से बात करते हैं और प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लैंड होल्डर के हेड ऑफिस के अंदर। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल रहमान साहब जो कि CEO हैं लैंड होल्डर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हमजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है माशाल्लाह जी। अच्छा सर, बहुत सारे क्लाइंट्स स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे क्यूरीज कर रहे हैं कि रिंग रोड जो है वो कुछ दिनों तक ऑपरेशनल होने जा रहा है, तो आया क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं इसके बैरियर टाउन लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पड़ेंगे और स्पेशली इसमें प्राइसेस के अंदर बूम आएगा भी कि ये सब रूमर्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली हमजा साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैं ये समझता हूँ कि अब दिन शुरू हो चुके हैं कि रिंग रोड की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बैरिया और बैरिया के रेजिडेंट्स को इंशाल्लाह मिलेंगे। जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से लेक सिटी को, जिस तरीके से पाइन इनक्लेव को, जिस तरीके से DHA को रिंग रोड के फ़ायदे हुए हैं, उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अब बैरिया का टाइम शुरू हो चुका हुआ है। जैसे आपको पता है, जो कुछ लोग कोई मुल्तान रोड पे रेजिडेंस हैं या आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं या किसी भी साइड से आते हैं, तो वो रिंग रोड को यूटिलाइज करते हुए बैरियर टाउन के अंदर आ सकते हैं। कोई बंदा एयरपोर्ट से आना चाह रहा है, विद इन 10 to 15 मिनट्स ही कैन एक्सेस और रीच इन बैरिया। सो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बैरिया की प्रॉपर्टीज़, खसूस बिलखसूस जो अपार्टमेंट हैं, जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका इंशाल्लाह। सर, रिंग रोड के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में तो आपने हमें बता दिया, आया लैंड होल्डर्स कोई ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट भी अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आया है कि नहीं? जी हमजा साहब, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड किया है मस्कन के नाम से। जैसा कि आपको नाम से ही आइडिया हो गया, मस्कन एक बेहतरीन ज़बरदस्त रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, बेहतरीन अमेनिटीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो बिल्डिंग प्लान की गई है। कमाल सिनान जिन्होंने सेंटोरस डिज़ाइन किया है, उन्होंने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है। मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन बैरिया टाउन है। इसकी बाकी अमेनिटीज़ और चीज़ें आप अपने क्लाइंट्स को बताएं, उसके बारे में ब्रीफ करें डिटेल में हर क्लाइंट को अपने को। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही शानदार एडिशन है हमारी शेल्फ के अंदर भी और बैरिया रेजिडेंस के लिए भी, और इसी तरह जो हमारे ओवरसीज स्पेशली कम्युनिटी ओवरसीज को स्पेसिफिकली इसलिए आपका कह रहा हूँ क्योंकि दे आर यूज टू लाइक कोई बंदा अगर मिडल ईस्ट में रहता है, दुबई में, सऊदी अरेबिया में या यूरोप में रहता है, तो दे आर यूज टू के अपार्टमेंट के किस तरह के होते हैं, उसकी अमेनिटीज़ क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। सो स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है ये हमारी ओवरसीज कम्युनिटी के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर मेड रूम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर ड्राइवर रूम तक दिया गया है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट पे आप अपने क्लाइंट्स को ब्रीफ करें, इसकी वर्किंग करें और ये लोगों को ऑफर करें, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। अच्छा सर, एक कॉमन क्वेश्चन है खासकर जैसे ओवरसीज क्लाइंट्स का आपने जिक्र किया है, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी जो है वो ओवरसीज क्लाइंट ही करते हैं कि हम हाई राइज में इन्वेस्टमेंट क्यों करें एज़ कम्पेयर जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है उसको लेकर। हमजा साहब, इसमें ना बड़ा एक सिंपल सा है, लेट सपोज देखें अभी आप 2.25 करोड़ पे का 5 मरले का घर लेते हैं ना, तो उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, प्लस जो अमेनिटीज इस बिल्डिंग के अंदर आपको 1.5 करोड़ पे वाले अपार्टमेंट में ऑफर की जाएंगी, वो डेफिनेटली आप एक कनाल का घर भी बाय कर लें 11-12 करोड़ रुपए का, तो उसमें भी वो अमेनिटीज ही होंगी। छोटी सी एग्जांपल उसकी मैं ये देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यू आर बीइंग ओवरसीज, आप एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं और आपका दिन के किसी भी लम्हे आपका दिल करता है कि यार मैंने स्विमिंग करनी है, तो आप किधर स्विमिंग करेंगे? इस बिल्डिंग के अंदर तो देखें हमने स्विमिंग पूल डिज़ाइन कर दिया, आप स्विमिंग कर सकते हैं, बट आप 5 मरले या 10 मरले के घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। सो इसी तरह जो इन बिल्डिंग्स के अंदर जिस तरीके से अमेनिटीज प्लान की जा रही हैं, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, आप ये सारी चीज़ें एक 5 मरला या 10 मरला के घर में अवेल नहीं कर सकते।
सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप देखें कि इस अपार्टमेंट की जो पेमेंट है वो आपने अगले 3 सालों के अंदर इन दी शेप ऑफ इंस्टॉलमेंट डेवलपर को पे करनी है, जबकि इसकी दूसरी तरफ अगर आप कोई घर बाय करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप सेम प्राइस पे भी लेट्स सपोज घर बाय करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू पे इन अ सिंगल अमाउंट ना। सो मैं ये समझता हूँ कि बिल्डिंग्स स्पेशली वर्टिकल अच्छी बिल्डिंग इनका ट्रेंड इसी वजह से है, बिकॉज एक तो इज इंस्टॉलमेंट प्लान है, प्लस इसके अंदर सारी अमेनिटीज़ हैं, और स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं जिन्होंने 2-3 माह के लिए आना होता है, बाकी अपना टाइम उन्होंने अपनी दूसरी कंट्री में स्पेंड करना होता है, सो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो हायर एज बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, हायर एज बिल्डिंग के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ बाय करें, हायर एज बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट बाय करें। अच्छा सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली क्लाइंट्स को आपको पता है ये क्वेरीज होती हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अक्सर क्लाइंट जो है ना, वो फिर मैं बात ओवरसीज़ की ही करूँगा, कि वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं लेकिन वो ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो नहीं देते। अच्छा, अभी हम स्पेसिफिकली चूँकि मस्कन की बात करें तो मस्कन की मैं आपको बताता चलूँ कि मस्कन ऐसा प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन की हिस्ट्री के अंदर जिसकी सारी अप्रूवल्स ऑलरेडी हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इन डेवलपर्स ने, जो अल्ताफ शकूर डेवलपर्स हैं, इन्होंने पिछले अपने 2 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर सारी अपनी वर्किंग की, इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, इसकी अप्रूवल्स ली, इसको जिस तरीके से भी जो जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, बेसिक गवर्नमेंट के लॉज थे, उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, उन लॉज को फॉलो किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ओपनिंग सेरेमनी में थे तो सारे डॉक्यूमेंट इसके डिस्प्ले किए गए, सबको दिखाया गया। सो अब इसकी अगली स्टेज सिर्फ यही है कि इंशाल्लाह विद इन मंथ और 2 इसकी डिगिंग स्टार्ट होगी और इसकी इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो बिफोर टाइम डिलीवर होगा। उसकी वजह ये भी है कि जो अप्रूवल्स बाकी कुछ दोस्त अहबाब या बाकी डेवलपर्स कुछ अप्रूवल्स बाद में लेते हैं आफ्टर डिगिंग, बट इन्होंने चूंकि एडवांस वर्किंग की हुई है, इनकी सारी चीज़ें कंपाइल्ड हैं, सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग के बिफोर टाइम ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा इंशाल्लाह। सर, इतना कुछ बताने के बाद आप हमारे उन क्लाइंट्स को जो इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं उसका जो तरीक़ेकार है ओवरसीज और लोकल क्लाइंट्स के लिए, वो भी काइंडली बता दें ताकि क्लाइंट्स की प्रॉपर जो है वो रहनुमाई हो सके। बहुत बहुत इजी और आसान इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपना डाटा शेयर करें, कंपनी का अकाउंट आपके साथ जो अल्ताफ शकूर डेवलपर्स हैं उनका अकाउंट आपसे शेयर किया जाएगा, आप उसके अंदर अपनी एडवांस डिपॉजिट करवाएं, उसकी स्लिप हमारी टीम के साथ शेयर करें, विद इन 2 or 3 working days इंशाल्लाह उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके घर पर इंशाल्लाह डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद थे मिस्टर अब्दुलरहमान साहब जो कि CEO थे लैंड होल्डर्स के। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें बहुत सारा टाइम दिया, आप लोगों की क्वेरीज जो थी वो सॉल्व की। बाकी हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो ऑन स्क्रीन के ऊपर आप मेरा नंबर देख सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम लैंड होल्डर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।